को सेक्स ड्यूरिंग पेन हो, इंटरकोर्स के दौरान शदीद पेन हो, अगर ये वाली अलामत आपको मिल जाए तो आपने क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। मैंने आज आपको ये बताना है कि PCOS के हवाले से होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है। आज मैं आपको होम्योपैथी की टॉप 10 मेडिसिन बताऊँगा जो आप ओवेरियन सिस्ट के हवाले से इस्तेमाल कर सकती हैं या करवा सकती हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि होम्योपैथी काम करती है अलामात की बेस के ऊपर। अगर जब फीमेल के अंडादानी में जो है पानी की थैलियाँ मौजूद हैं, लेकिन आपने फिर भी फीमेल की अलामात को देखना है, अगर आप अलामात को देखेंगे तो फिर जो है आप होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेडिसिन की जो सिलेक्शन होती है वो आप कर सकते हैं। विदाउट सिम्टम आप होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारे पास जो टॉप 10 मेडिसिन है, मैं आपको उन तमाम मेडिसिन की एक एक अलामत बताऊंगा ताकि आपके समझने के लिए बहुत ही आसानी हो सके। तो मेरे पास जो सबसे पहली मेडिसिन है, जो टॉप क्लास की मेडिसिन है, उसका नाम है लेक्सिस। लेक्सिस जो मेडिसिन है, आपने इस मेडिसिन को कब इस्तेमाल करना है ओवेरियन सिस्ट वाले पेशेंट के ऊपर, जब आपको ये पता चले कि आपका जो पेशेंट आपके पास आया है उसकी सिस्ट जो है वो लेफ्ट ओवरी में है, यानी बाईं तरफ जो अंडादानी है, अगर मसला उसमें है तो आप खामोशी के साथ लेक्सिस 1 mg का इस्तेमाल करेंगे। हर 50 मिनट के बाद या हर घंटे के बाद आपने 3 से 4 कतरे पेशेंट को देने हैं, और आपने सिर्फ एक दिन में 3 जो डोज हैं वो इस्तेमाल करवानी है। और ये जो मेडिसिन है, एक दिन इस्तेमाल करवाने के बाद आपने 6 दिन ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवानी, आपने दोबारा इसको इस्तेमाल करवाना है 7वें दिन। ये थी हमारी पहली मेडिसिन, जो टॉप 10 क्लास की जो मेडिसिन है उनमें से पहली मेडिसिन। दोस्तों अब हमारे पास जो दूसरी मेडिसिन है उसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्लेवेटम आप तब इस्तेमाल करवाएंगे जब ओवरी दाई हो और सिस्ट भी दाई ओवरी में हो। अगर दाई ओवरी में पानी की थैलियां मौजूद हैं तो आप लाइकोपोडियम क्लेवेटम का इस्तेमाल करवा सकते हैं। आपने लाइकोपोडियम 1 mg इस्तेमाल करनी है, और इस्तेमाल का जो तरीकाकार है वो भी यही है कि 3 से 4 कतरे आपने हर 50 मिनट के बाद देने हैं, सिर्फ 3 डोज आपने इस्तेमाल करवानी है, और 6 दिन की मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करवानी, सिर्फ हफ्ते में 1 दिन की मेडिसिन इस्तेमाल करवानी है, 1 दिन में सिर्फ 3 डोज, इसके बाद आपने इस मेडिसिन को बंद कर देना है। ये थी हमारी नंबर 2 वाली जो मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों अब मेरे पास जो मेडिसिन है उसका नाम है वेरेट्रम एल्बम, और दूसरी मेडिसिन है फ्रेक्सिनस। फ्रेक्सिनस और वेरेट्रम एल्बम ये आपने तब इस्तेमाल करवानी है जब फीमेल की ओवरी में सिस्ट हो, पानी की थैलियाँ मौजूद हों, लेकिन इसके साथ साथ जो पीरियड आते हैं फीमेल को वो आते हैं पेनफुल, बहुत ही शदीद पेन होता है। अगर ये वाला मसला हो, ये वाली अलामत आपको मिल जाए तो आपने वेरेट्रम एल्बम 30% में 3 खुराकें 1 दिन में इस्तेमाल करवानी है, यानी 3 से 4 कतरे सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम को आपने वेरेट्रम एल्बम का इस्तेमाल करवाना है। अगर आपने इसके साथ फ्रेक्सिनस को इस्तेमाल करवाना है तो फिर मदर टिंक्चर में आपने इस मेडिसिन को लेना है। आपने 5 से 10 कतरे आधा कप नीम गर्म पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद फ्रेक्सिनस क्यू को इस्तेमाल करवाना है। ये है हमारे पास 2 मेडिसिन। नंबर 3 पे आती है, लेकिन मसला आपने देख लेना है, आपने अलामत लाजमी देखनी है, लम्बत होगी पेनफुल पीरियड का होना। दोस्तों इसी तरह हमारे पास नंबर 4 पे आती है एक मेडिसिन जिसका नाम है एपिस मेलिफिका। ये आपने तब इस्तेमाल करवानी है जब फीमेल की ओवरी में सिस्ट हो, पानी की थैलियाँ मौजूद हों, लेकिन इसके साथ फीमेल को सेक्स ड्यूरिंग पेन हो, इंटरकोर्स के दौरान शदीद पेन हो, अगर ये वाली अलामत आपको मिल जाए तो आपने क्या करना है, एपिस मेलिफिका 30% में इस्तेमाल करवानी है। आपने 3 से 4 कतरे या 5 कतरे सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करवानी है, डायरेक्ट ज़बान पर डालकर फीमेल को कहना है कि वो पी ले। आपने लगातार इसको इस्तेमाल करवाना है, इंशाल्लाह ये वाला जो मसला है PCOS का वो भी ख़त्म हो जाएगा, और पेनफुल इंटरकोर्स ये वाली जो अलामत है ये भी ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अब मेरे पास जो मेडिसिन है उसका नाम है जिनकम मेटेलिकम। ये आपने कब इस्तेमाल करवानी है,
जब आपको एक फीमेल आके ये बोले कि मेरे पेड़ के निचले हिस्से में पेन होता है, यानी पेड़ों में पेन होता है जो जाता है नीचे पाँव तक, पेड़ों से यानी यूट्रस से लेकर नीचे पाँव तक अगर पेन जाता होगा, तो आपने इस कंडीशन के ऊपर ये देखना है कि क्या उसकी ओवरी में सिस्ट हैं या नहीं। अगर सिस्ट होंगी और साथ में पेड़ों से पाँव तक दर्द होगा, तो इस कंडीशन में आपने जिनकम मोटेलिकम 30% सीमेंस इस्तेमाल करवानी है, और वो भी सिर्फ 3 से 4 कतरे सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवाने हैं। ये आपने अलामत लाजमी देख लेनी है कि पेड़ों से नीचे पाँव तक दर्द का होना। दोस्तों इसी तरह मेरे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है पल्सटिल्ला। पल्सटिल्ला आपने तब इस्तेमाल करवानी है जब आपके पास एक फीमेल आए, वो बोले कि मेरे जो मेंसेस हैं वो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन उसके साथ मुझे प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती। एक अलामत है कि मुझे बंद जगह पर जो है तंगी महसूस होती है, खुली जगह में मुझे बहुत ही सुकून होता है। 2-4 अलामत आपने ये देखनी है, क्या सबसे पहले प्यास का बिल्कुल ना होना, मेंसेस का बिल्कुल कम आना, इसके साथ खुली हवा में सुकून होना, इसके साथ जो है ओवरी में यानी सिस्ट का होना, ओवेरियन सिस्ट का होना, अगर ये वाली अलामत आपके पास हो तो आपने पल्सटिल्ला मेडिसिन का इस्तेमाल करवाना है 30% में सुबह दोपहर शाम लगातार पूरा हफ्ता। इसी तरह दोस्तों मेरे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है सीपिया। सीपिया की एक बड़ी ही अहम अलामत है मायूसी। मायूसी को आपने देखना है, अफसुर्दगी को आपने देखना है, इसके साथ आपने देखना है इररेगुलर पीरियड का होना, बेकायदा माहवारी का होना, और साथ में ओवेरियन सिस्ट का होना। अगर ये वाला मसला होगा तो आपने सीपिया 30% में इस्तेमाल करवानी है सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद, सिर्फ 5 से 10 कतरे इस्तेमाल करवाने हैं, और लगातार सिर्फ एक हफ्ता इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह इररेगुलर जो पीरियड होता है वो भी मसला क्लियर हो जाएगा, और अफसुर्दगी मायूसी ये भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, आपका जो पेशेंट रहे वो हैप्पी हो जाएगा, लेकिन सीपिया को इस्तेमाल करवाने के बाद। दोस्तों इसी तरह मेरे पास एक मेडिसिन है जिसका नाम है सबाइना। सबाइना जो मेडिसिन है ये आपने तब इस्तेमाल करवानी है जब ओवेरियन सिस्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती हो, हैवी ब्लीडिंग होती हो, ड्यूरिंग मेंसेस के दौरान पेशेंट यानी फीमेल को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती होगी, तो आपने इस कंडीशन में सबाइना 1 mm को इस्तेमाल करवाना है हर 50 मिनट के वक्फा के बाद। जब आप 3 से 4 डोज इस्तेमाल करवा लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो हैवी ब्लीडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी और आपका ये वाला जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपने ये करना है कि सबाइना को जब ब्लीडिंग होती होगी बहुत ज़्यादा, तो आपने उस वक्त इसको इस्तेमाल करना है 1 mm में, लेकिन जब आपके पास ये वाली जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाए, ब्लीडिंग वाला जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाए, तो आपने उसके बाद जो है इसको डेली इस्तेमाल करना है 30% में, और सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है, सिर्फ 3 से 4 कतरे ज़बान पर डालने हैं और वो आपने पी लेने हैं। ये मेडिसिन होम्यो ड्राप होते हैं, आपने इसको इस्तेमाल करना है और अपनी जो बीमारी है उसको ख़त्म करना है। दोस्तों ये थी हमारे पास टॉप 10 मेडिसिन जो हम PCOS के हवाले से इस्तेमाल करवाते हैं। अगर आपकी कोई अलामत मिलती है तो आप पहले हमसे रब्ता करके फिर जो है आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आप मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल ना करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेडिसिन है अगर फ़ायदा देती है तो नुकसान भी देती है, इसलिए डॉक्टर के मशवरा के बगैर ये मेडिसिन आप कभी भी इस्तेमाल ना करें। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक करें। आप अपने दोस्तों तक जो है इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।